इतनी क्यूट कैसे दिख सकती है यार। सुनना शिवा आगे क्यों जा रहा है, ये दे तेरी गर्लफ्रेंड है दे। निकिल आंटा आप मेरे आंटा, ये मेरी आंटा आंटी। आंटी सुनो ना, वैसे आप बहुत दिनों के बाद ना आ रहे हो तो बहुत क्यूट दिख रहे हो, पता है। आंटी लोग का जलवा लग रहा है। अच्छा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। सो दोस्तों फाइनली रेडी वेडी जो भी है हम लोग हो चुके हैं जगदलपुर जाने के लिए, यानी कि आप सभी को एंटरटेनमेंट करने तो करना। सो दोस्तों फाइनली निखिल और शिवा अभी चड्डी पहन रहे हैं, तो उन लोग चड्डी पहन के आएंगे। क्या बोला तूने? तो फिर हम लोग निकलेंगे जगदलपुर की ओर। तो चलिए बने रहना ब्लॉग में कंटिन्यू। सो आज क्यूट क्यूट लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि गाइस मेरे ब्लॉग में तो लड़की बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन फ्लर्टिंग वगैरह जो भी है वो सब नहीं करता मैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती, क्योंकि अब बन गया हूँ संस्कारी लौंडा। सो चलिए अब चलते हैं, हम करेंगे दोस्त लोग को फंडा। सो दोस्तों फाइनली मेरा दो चड्डी पहन के आके ना ये गाड़ी साफ कर रहा है, देख सकते हो। और कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बोलना चाहता है मेरे ब्लॉग में? तू कुछ बोल ही मत, कहता ही नहीं है और बोलते रहता है। और ये है निखिल की सिर का बाल, मतलब निखिल का सिर का बाल। क्या बोला तूने? सो चलिए गाइस अब ज्यादा टपर टपर नहीं करते रहते हैं, चलते हैं जगदलपुर में। सो गाइस यार इधर से हम लोग निकल रहे थे और हमारी क्यूट सी सब्सक्राइबर मिल चुकी है, और कुछ कहना चाहोगे? हाय गाइस। हाय हाय, इतना सुकून। और कैसे हो आप लोग? इन लोग तो मजे ही में हैं, बस आपको देखकर। क्यों रे? कहाँ गए थे? मैं ऑफिस से आ रही हूँ अभी। कौन सा ऑफिस? GWI ऑफिस। सो गाइस ये कहाँ पड़ता है? जगदलपुर में। ये हमने सो गाइस यार ये बहुत कमा रहे हैं यार, और हम ही हैं बेरोजगार छपरी नल्ले जो भी है। बात तो सही है। क्यों रे? लड़की लोग होके अपने से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कितना सैलरी है? मेरा 30,000 है। बाप रे गाइस यार 30,000, मुझे भी करना है यार ये सब। आप भी कर सकते हो। अच्छा जितना भी ड्रीम है सब पूरा हो जाएगा। हाँ। वैसे आपको जो पैसा मिलता है हाँ। उसको सबसे पहले किसे देते हो? मैं अपने घर में। घर में हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हाँ। सच में घर में नहीं देते? घर में नहीं देते, पहले अपने लिए खर्च करती हूँ फिर घर में देती हूँ। अब ना लाइन पे। अच्छा मतलब मेकअप वगैरह खरीदने के लिए हाँ। वैसे आप कितने किलो का मेकअप करते हो? क्या बोला तूने? क्यों रे? अच्छा जो जो जरूरत है वही करते हैं। हाँ ज्यादा कर लिपस्टिक हाँ। और काजल हो गया हाँ। और क्या लड़की लोग का क्या क्या रहता है? तो आईलाइनर होता है, नेल पॉलिश होता है। चुप चुप हो जा। हाँ वॉच, चश्मा हाँ, ड्रेस। ओ माय गॉड, ज्यादा कर लड़कियों का तो ड्रेस का वो लगता है, सब ज्यादा रहता है ना हाँ। किसी में ड्रेस रहे कम ही पड़ता है हाँ। और कहीं भी जाए ना गाइस, अरे यार इसे तो कल पहनी क्यों रे? एक ही ड्रेस में बार बार फोटो अच्छा नहीं आता हाँ। पोस्ट नहीं कर सकते। और हम लड़के के देखो जहाँ भी जाओ बाल को वैसी भी करो और जैसी भी कपड़ा पहनो वैसे ही रहते हैं। बात तो सही है। वैसे आपका इंस्टाग्राम का नाम बता दो। अमीजा दास 02 हाँ। इनको फॉलो कर देना गाइस। नहीं क्योंकि बहुत क्यूट गर्ल है ये, और महीने का तो 30,000 रुपया भी कमा रही है अभी। तो चलिए इस क्यूट सी परी को अब अलविदा कहते हैं फिर आपको दलपत सागर में मिलते हैं ठीक है। हाँ, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दलपत सागर में अपने छपरी बेरोजगार दोस्त के साथ। चश्मा लगा। सो गाइस चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवा बिसाई। तो क्यों बता रहा है? क्यों रे?
क्या बोल रहा है कि दलपत सागर में मेरे को एक लड़की पटाना ही पटाना है। ये मतलब एक लड़की पसंद आ गई, पटाना वटाना वाले एक लड़की बहुत संस्कारी और तुझे क्या यार? नहीं तुझे कौन लड़की पसंद करी कि ये बता पहले। गजब बेइज्जती है। तो एक लड़की को तो प्रपोज करने का वो नहीं दम नहीं रखता और बोल रहा है कि पसंद आ गई लड़की। चल प्रपोज करके बताता हूँ। सच में चल चैलेंज लगा पहले। तू उस दिन डेयरी मिल्क नहीं दिया। चल कुछ भी चल ठीक है। 10-10 रुपए का। तो चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं ये लड़की पटाता है या फिर नहीं पटाता है। सुनना शिवा आगे क्यों जा रहा है? ये दे तेरी गर्लफ्रेंड है। दे क्यों? क्या करूं? गाइस अब क्या ही बोले। मैं तो गया था लड़की को प्रपोज करने के लिए, लड़की का शकल देख के ना मेरा हालत खराब हो गया है यार। अब क्या ही बोल सकते हैं। सो दोस्तों बहुत दिनों के बाद अपने दृष्टि मैम एंड दृष्टि दीदी एंड दृष्टि दादी आंटी थोड़ी देर जी भाई आंटी हट जाइए। हाँ ठीक है ना आंटी। आंटी सुनो ना, वैसे आप बहुत दिनों के बाद ना आ रहे हो तो बहुत क्यूट दिख रहे हो पता है। आंटी लगा जलवा लग रहा है। अच्छा क्यों? तो लग रहा होगा। नहीं वैसे आप मानते हो कि आंटी हो बोल के? छोकरी है तभी तो नौकरी। निखिल आंटी निखिल आंटा क्यों? आप मेरे आंटा, ये मेरी आंटा आंटी। कुछ भी अंकल होता है बिड़ू। नहीं आंटा है क्यों? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इतनी क्यूट कैसे दिख सकती है यार? मेरे दोस्त बोलना। मेरे दोस्त मैं काला होके एक भी लड़की पटा नहीं पाया, तू गोरा होके कितना लड़की पटा लिया? साल आज तक एक लड़की भी नहीं सेट हुई। बड़ा हरामी हो बेटा, ये अब क्या कर सकते? तो गोरा होने का क्या फायदा भाई? अब गोरा काले अच्छा तो काला ही रहो। क्या ट्रिक होना चाहिए ऐसा? ये क्या है? जब किसी लड़के तू ऐसा आंख मारेगा ना उधर से सैंडल उठक पड़ेगा ऐसा। अबे साले क्यों रे? क्या बात करता है ये? गोरा होने का कोई फायदा ही नहीं उठा रहा। सुन मेरा बात सुन। अब किसी लड़की को मान ले तू प्रपोज करने गया, उस लड़की बोलेगी कौन? सबसे पहले तो तेरे भैया बोलेगी। क्या बोला तूने? तो दिल टूटेगा। लेकिन आप धीरे धीरे उसको बातों में उलझा सकते हो। यार मैंने आपको कहीं देखा है, वो बोलेगी कहाँ? सपनों में। ये रहा नहीं जाता। हंस देगी उसे धीरे धीरे। फ्लर्टिंग कर रहे हैं फालतू सब। फ्लर्टिंग वगैरह मत करते रहा, तेरे से वैसे में भी लड़की नहीं पटते हैं। गजब बेइज्जती है। सुनना दृष्टि, मैं काला होके एक भी लड़की नहीं पटाया हूँ और तू गोरी होके कितने लड़कों को पटा चुकी है बता? मैं नहीं पटाती, लोग मेरे को पटाते। कुछ भी और मैं नहीं पटाती। क्यों? मैं सुना हूँ कि तू हजारों लोग से पटी है। बात तो सही है। अरे बाप रे, अभी हजार लोग आ गए। मेरे जिंदगी में एक नहीं यार, हजार की बात। अरे इस चेहरे का क्या मतलब फिर? एक भी नहीं पटा पा रही है तू। अरे मेरे को शौक नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। वाह, मतलब इसे पटते ही नहीं है तो काय के लिए पटाएगी? सही यार, कोई हमें भी पटा लो। तू हर लड़की को प्रपोज करता है? कौन बोला? वैसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा बोल और ऐसा तुझे लग भी रहा होगा। क्यों रे? तू दृष्टि को प्रपोज करेगा? बिल्कुल है। ले प्रपोज कर। ये क्या देखे प्रपोज कर रहा है? नखून। हाँ नखून देख। हो गई प्रपोज भी, मतलब पट भी गई। उसको गले लग के दिखा तो प्रपोज किया ना भाई, अब कपल्स हो गए। मेरे को शर्म आती है। दोस्तों आज मेरा दोस्त एक लड़की को बुलाया था जो कि इसे धोखा दे के भाग गई। भाग गई गाइस, धोखा दे के भागी नहीं, अभी तक नहीं आई यार। अब क्या कर सकता हूँ, आज मैं उसको प्रपोज करूंगा बोल रहा था। तू बुलाएगी तो थोड़ी आएगी। उसकी गलती अब नहीं आई तो क्या कर? तू बुलाएगी तो थोड़ी आएगी। हाँ ना तेरी भाभी है ना, तू बुला ले। अगर दोस्तों मैं बुला लेता ना वो दौड़े भाग आएगी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बुला के दिखा तो मैं मानता हूँ। दौड़ी भागी आएगी, दिखा तो। सो गाइस यार अभी बुला के दिखाता हूँ मैं। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, इसी की मोबाइल से कॉल करता हूँ।
और मैं इसे बुलाता हूँ, ठीक है? नहीं, तेरे मोबाइल मेरे मोबाइल में उसका नंबर ब्लॉक है गाइस। क्या है ब्लॉक दे नंबर? ब्लॉक है उसका नंबर, मतलब यार किसी चीज के लिए हमारे बीच में झगड़ा हो गया था तो इसलिए नंबर डिलीट, सब डिलीट, वो सब कुछ कर दिया हूँ मैं। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तो दोस्तों मेरा दोस्त को मानना पड़ेगा यार, जिस लड़की को ये बुलाया था वो लड़की तो दौड़ी भागी आ रही है और इसे वो इसे प्रपोज करने वाला है, तो उसे इसे ना जूता चप्पल जो भी है दुनिया भर का पढ़ने वाला। तो फाइनली अपना दोस्त का हो चुका है पोपट। क्या कर सकते अब, क्या करेगा ये बता दे। सुनो गाइस, खुदकुशी कर ले दलपत सागर में। गाइस यार वो ना घर वालों के साथ आई है ना, इसीलिए घर वाले के साथ नहीं है गाइस, उसका बॉयफ्रेंड के साथ आई है।